सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बीपीएससी इंटरव्यू में जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका 67th जो अभी बीपीएससी रिजल्ट आने वाला है मेंस का, आगे 68 में जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और उनको लगता है कि इंटरव्यू कॉल मेरा हो जाएगा, या आगे अगर आप क्या कहते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रखने के लिए सोच रहे हैं तो इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है अभी तक बीपीएससी, उसका क्या जवाब होना चाहिए, या आगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछने का चांस हो सकता है बीपीएससी में, इन्हीं सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इसमें कुछ अपना एक्सपीरियंस, बाकी और भी जो कुछ कैंडिडेट हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी अगर इंटरव्यू से और भी अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो नीचे नंबर भी दिया गया, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल रखे हुए हैं तो एक बार तो कम से कम ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी है या फेडरलमैन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या इंडियन ज्योग्राफी है, बिहार का ज्योग्राफी, एक मोटा मोटी आपको सिलेबस का एक जो है ना ओवरव्यू पता होना चाहिए। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपके जो है नॉलेज का टेस्टिंग नहीं होता है, आपके फैक्ट का टेस्टिंग नहीं होता है, आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का टेस्टिंग ऑलरेडी बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में आपसे कर लिया होता है। लेकिन हाँ, फिर भी इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर होते हैं ये इंटरव्यू कैंडिडेट से ये उम्मीद करते हैं कि एक बेसिक जो आपके पास कुछ कुछ चीज़ें होना चाहिए। जैसे अगर कोई अगर जहाँ इंटरव्यू बोर्ड में ये पूछता है कि बिहार में कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना 1% है तो एरिया में, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक समान नागरिक को भी पता होना चाहिए, या देश में कितना है, ठीक ना, या कौन सा रिवर बिहार से होकर गुजरती है, तो ये सब एक बेसिक नॉलेज है। एक इंटरव्यू बोर्ड आपसे इसे पूछते हैं तो आपसे जवाब का वो उम्मीद करते हैं। तो इसी तरह कुछ बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो मैं बारी बारी से उस क्वेश्चन को लेता हूं और उसका मैं कुछ कुछ आंसर भी बताऊंगा। एक चीज़ मैं और डिस्कस पहले ही कर दूं कि देखिए इंटरव्यू में हर एक कैंडिडेट का आंसर अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हाँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप पेन और कॉपी ले लीजिए, आप उसको सिर्फ क्वेश्चन को लिख लीजिए। हाँ, अगर कोई आंसर आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इससे और बेहतर आंसर अगर आपके पास अगर है उसको भी कॉपी में लिख लीजिए। और क्या किस क्वेश्चन का आंसर होगा अभी से ही एक वो आपको पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, लगभग 50-60 ज्योग्राफी में जो पूछेगा, और उसका कम से कम 3-4 पॉइंट में उसका आंसर भी लिखा हो। ये अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले अगर आप कर लेंगे, आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और इंटरव्यू में ओवरऑल जो मायने रखता है आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस ही, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनको देख के ये लगे नहीं ये बच्चा जो है ना मतलब कि प्रेशर में नहीं आता है, हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को सही ढंग से इसको फिटल करने का आता है। तो ये आपसे उम्मीद वो लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो है अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ऑप्शनल में ज्योग्राफी को लेकर इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, ये यही कि ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों चूज किया, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन खास करके उनके लिए ज़्यादा हो सकता है जिनका जिनका जो है कोई और सब्जेक्ट एज ए ग्रेजुएशन है, जैसे अगर किसी का हिस्ट्री एज ए ग्रेजुएशन है मान लीजिए, या बीटेक किए हुए हैं, तो आपका अगर कोई अदर सब्जेक्ट है और आपने ज्योग्राफी चूज किया है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि आखिर ये बीटेक का सब्जेक्ट छोड़ के या हिस्ट्री का सब्जेक्ट छोड़ के या अदर कोई मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके ग्रेजुएशन सब में है तो वो छोड़ के ये क्यों लिया। तो इसमें देखिए इसका जवाब जो कई तरह से हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 8-10 पॉइंट बता देता हूँ, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहला देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो एक तो बात इसमें क्लियर है कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि साइंस का यूज है, और बोरिंग
मतलब कि बहुत ही कम होता है, मतलब बोरिंग नाम का कोई इसमें विशेष चीज़, हाँ कहीं कहीं है, लेकिन हाँ चूंकि चीज़ें समझने वाला, तो इसे साइंटिफिक इसमें जो है एक इसको हम सब्जेक्ट जो है ना ये है। दूसरा बात कि हम जब ज्योग्राफी का पढ़ाई करते हैं तो हमको कई जगह का लोकेशन पता चलता है, उस एरिया का फिजिकल फीचर्स या भौतिक स्वरूप क्या है, वहाँ के रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, ठीक ना, वहाँ की आबादी या पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ की नदियाँ कैसी है, एग्रीकल्चर किस किस तरह की वहाँ खेती होती है, किस किस तरह का वहाँ इंडस्ट्री है, किस तरह का वहाँ सेटलमेंट है, ये सब चीज़ हम इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। या उस राज्य की सीमा क्या है, उस देश की बाउंड्री किसके साथ लगती है, उस सीमा पर किस तरह का विवाद है, इन सब चीज़ों को जो हम जो इसमें पढ़ते हैं ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते इसको मैं चूज किया। और सबसे एक बात ये भी बताइए कि एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा आप इसमें भी जोड़ सकते हैं कि सर जो है ऑप्शनल तो खैर बहुत सारे हैं, तो मेरे ख्याल से या हमको लगा कि इसका स्टडी मटेरियल ठीक ठाक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक ना। और एक बात आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ठीक ठाक मार्क्स भी आ जाता है अगर हम सही ढंग से परफॉर्मेंस कर दिए। तो सबसे पहला बात आपको यही रखना है कि साइंटिफिक एक सब्जेक्ट है, इसमें जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो चाहे बिहार का पढ़ें या इंडिया का पढ़ें, हमको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी पता चलता है, तो जो कि चीज़ें ठीक है, बाकी इंटरेस्टिंग है, स्टडी मटेरियल्स भी ठीक ठाक इसका अवेलेबल है, अच्छा मार्क्स भी आ जाता है, तो इन सब चीज़ों को आप जोड़ के जो है ना एक आंसर बना सकते हैं, ठीक ना, ये हो गया। फिर अगला जो इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बात बन सकता है, ठीक है ये तो है लेकिन और भी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स है वो भी साइंस है, या केमिस्ट्री वो भी साइंस है, ऐसा आपसे क्रॉस क्वेश्चन जब पूछेंगे वो, तो आप सिंपल बोलिएगा सर हालांकि कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, मतलब कि बीपीएससी में जो है हम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट सर यहाँ ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ ये मेरा जो है ना अपना खुद का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और हमारे कुछ सीनियर्स भी पढ़े थे, तो मैं हमको लगा कि नहीं ये चीज़ें हमारे लिए एक बेहतर हो सकता है, तो आप ऐसे करके चीज़ों को बच के उनके बात को पूरा वो नहीं करना, हाँ मतलब एक आपका जो बीच का रास्ता होता है इंटरव्यू में आप उसकी तरफ जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी या भूगोल विषय का जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन में क्या यूज है, तो अब देखिए इसका यूज आप क्या बता सकते हैं, हम इसमें 5-6 पॉइंट आपको बता देते हैं, आप उस सारे पॉइंट को लिख लीजिए, आप जब भी कभी मौक दें तो इस आंसर को उसमें शामिल कीजिएगा। देखिए ज्योग्राफी का एडमिशन में अगर बिहार के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर आप कहीं के SDM हैं या कहीं के DISP हैं या कोई और अगर जहाँ पद पे ऑफिस हैं या CEO हैं, BDO कुछ भी हैं, तो सबसे पहली बात आपको उस इलाके का एक लोकेशन पता चल जाता है। अगर मान लीजिए कि बिहार में आपको कहीं जाना है तो आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते वहाँ का लेटीट्यूड एल्टीट्यूड अक्षांश देशांतर के बारे में पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन आप पता कर सकते हैं। दूसरा बात अगर मान लीजिए कि आपका ड्यूटी अगर कहीं उधर नेपाल के बॉर्डर या पश्चिम बंगाल या UP या झारखंड के सीमा पर पड़े, तो आपको ज्योग्राफी जो है ना आप बोलिएगा सर चूँकि ज्योग्राफी को मैंने अच्छे से पढ़ा है तो हमको बिहार की सीमा या पूरे देश की सीमा के बारे में या पूरे इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में हमको ठीक ठाक पता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें सर हम अगर किसी जैसे मान लीजिए कि आप जंगली एरिया में आप कहीं ड्यूटी हो गया जहाँ जंगल वन ज़्यादा है या कुछ कुछ बिहार में कुछ नक्सलाइट इलाका है, तो अगर वहाँ आपका मान लीजिए इन द केस अगर आपका ड्यूटी DYSP या किसी रूप में अगर है, तो आप बताएंगे कि हमको चूंकि ज्योग्राफी में फॉरेस्ट के बारे में हम ठीक ठाक पढ़े होंगे तो हमको उस जंगल के बारे में ठीक ठाक नॉलेज सर होगा, चाहे मान लीजिए कि वो क्या कहते हैं शिवालिक के पहाड़ी में जंगल हो या साउथ बिहार में कहीं हो, तो ऐसे चीज़ आप इसको बता सकते हैं। दूसरा कि बिहार में सर बाढ़ या सूखे की एक बड़ी समस्या होती है, एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते हमको बाढ़ आखिर क्यों आया है, किस महीने में बाढ़ आएगा, अगर मान लीजिए कि अगर प्रशासनिक अगर हमको कोई काम हो नॉर्थ बिहार में और वो महीना अगस्त का हो जुलाई का हो, तो हमको कहीं ना कहीं उस समय हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ इतबार का इसमें समय है, तो कोई भी अगर हम जो आगे काम करेंगे प्रशासन में उस बार को ध्यान में रख के करेंगे या सूखे को ध्यान में रख के करेंगे। आगे बता सकते हैं फिर जिस तरह से अभी पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और ये भी कहीं ना कहीं अगर हम प्रशासन में अगर कोई नीति निर्माण का कोई काम करते हैं, मेनली हमारा मकसद होता है कि देश या राज्य की जो आम जनता के
तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, अगर क्लाइमेट में क्या चेंज हो रहा है, या एग्रीकल्चर अगर कोई हम चीज़ कर रहे हैं, अगर कोई इनपुट हम कोई फ्री प्रोडक्ट प्रदान सरकार कर रही है, तो इन सब क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, इसका हम कहीं ना कहीं प्रशासन में यूज कर सकते हैं, आगे इसमें बता सकते हैं, कोई इसमें रिवर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, मिट्टी के बारे में, अलग अलग रिसोर्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि पॉपुलेशन है, तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ाई करते हैं उसमें हम जानते हैं कि पूरा जनसंख्या के बारे में पूरा पढ़ते हैं, कितना आबादी कहाँ है, कितना डेंसिटी है, कहाँ कहाँ बसावट है। तो आप बताइए कि प्रशासन में जब हम सर हम जाएंगे तो इस तरह का जानकारी हमको होना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है मैप का नॉलेज, अगर बिहार में आप कहीं भी प्रशासन अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो मैप के जरिए आप चीज़ों को आप बेहतर हैंडल कर सकते हैं, ये बता दीजिए। फिर आप बताइए कि सर अगर हमको, चूँकि इसमें हम मैदानी भाग के बारे में, माउंटेन एरिया के बारे, अगर मान लीजिए आपका ड्यूटी कहीं वेस्ट चंपारण में पड़ गया या ईस्ट चंपारण में पड़ गया, या मान लीजिए कि साउथ बिहार में कहीं पड़ गया, तो गया सब में पड़ गया या राजगीर में पड़ गया, तो आपको उस पहाड़ी के बारे में तो पता होगा ना, तो आपको बताइए कि सर यहाँ पे चीज़ें हमको प्रशासन में मदद मिल सकता है। तो यहाँ मैं बहुत सारा पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया, आपको जो इसमें अच्छा लगे तीन चार, देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलने का स्कोप भी नहीं रहता है, ठीक ना, एक कोई क्वेश्चन पूछेंगे आप उसके चार पांच पॉइंट बताएंगे, तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, आपको रुक जाना है तो ही हाँ, लेकिन इतना चीज़ें आपके लिए ज्योग्राफी में प्रशासन का क्या यूज है आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक ना। आगे अगला क्वेश्चन जो, हाँ ये कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आगे एक पूछा गया था 66 में कई लोगों से, क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा है पिछले तीन चार साल से कि जितने भी बीटेक या बीई किए हुए रहते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए रहते हैं, वो मोस्टली लगभग ज्योग्राफी ही रख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि सारे इंजीनियर्स आखिर ज्योग्राफी ही क्यों लेते हैं, जिनका बीटेक बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा एक और आप आंसर सोच लीजिए। इसमें आपको सिंपल ही बताना है सर, हो सकता है कि इस सब्जेक्ट का जिस तरह का नेचर है, वही साइंटिफिक नेचर है, क्योंकि बीटेक जो बैकग्राउंड किए होते हैं वो साइंस पढ़े होते हैं, और कहीं ना कहीं एक मिलता जुलता चीज़ इसमें सब्जेक्ट है, जिस वजह से इसको जो है ना इंजीनियर्स चूज करते होंगे। हाँ, आप लास्ट में बताइए सर, हाँ और भी सब्जेक्ट चूज करते होंगे, लेकिन हाँ इसमें कहीं ना कहीं इसका जो नेचर है, इजी टू लर्न है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इस वजह से बहुत सारे बीटेकधारी जो है ना चूज करते हैं। हाँ, उनके बात को ही नहीं बोलना है कि नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं आप बोलिए कि हाँ सर ये बात सही है, लेकिन इसका वजह ये है, आप इसे करके उनके बात को मना नहीं करना है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो ये भी बहुत फेमस है कि जो बाढ़ है कि क्या वजह, क्या इसका क्या कारण है, बिहार में इतना ज़्यादा बाढ़ क्यों आता है, या इसका क्या समाधान है, इसका क्या उपाय। देखिए आप जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो मेंस में लिखे होंगे बाढ़ के कारण और परिणाम के बारे में, तो देखिए वहाँ पे बहुत लंबा आंसर होगा, यहाँ पर शॉर्ट में आप तीन चार पॉइंट आप एक ढूंढ कर रखिए कि पहला आप बताइए कि सर बिहार में जो नॉर्थ और जो साउथ बिहार का जो अगर आप देखिएगा एरिया है, वो दोनों तरफ से ढलान का, जैसे मतलब अगर ये पूरा अगर आपका बिहार है तो ये गंगा नदी है, तो इधर भी ऊंचा है, इधर हिमालय का रीजन है, इधर आपका साउथ का है, तो ये चूँकि इस तरह से ढलान होने की वजह से जो है ना यहाँ पे जल्दी अब जैसे बारिश होती है तो पूरा नदियाँ भर जाती है, पहला बात ये दिखाइए फिजिकल इसका कारण हो सकता है। अगला देखिए जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या अचानक मानसून आते हैं और बहुत ज़ोरदार बारिश हो जाती है, इस वजह से भी है, तटबंध पर टूट जाता है, ठीक ना, नदियों में गाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिएगा बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा नदी में गाद ज़्यादा है, कोसी में गाद ज़्यादा है, और गाद अधिक होने की वजह से तुरंत वर्षा होती, नदियाँ बढ़ जाती, और नेपाल के द्वारा जो है ना वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बारिश के समय जल का छोड़ा जाना, ये सब चार पाँच पॉइंट आप बाढ़ के कारण के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसका समाधान क्या है, ये पूछता है, कारण तो खैर नहीं पता, हाँ बाढ़ का क्या समाधान है। देखिए इसमें आप ऐसे करके बता सकते हैं, देखिए दो तरह का आप समाधान बता सकते हैं सर, एक अल्पकालिक है शॉर्ट टर्म के लिए, एक जो लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें सबसे बता सकते हैं कि मान लें कि पेड़ पौधे को लगाना बता सकते हैं, या गाद को लगाना, जो तटबंध को जो है पक्के करना, और लॉन्ग टर्म में इसे कहीं ना कहीं नेपाल के सहयोग से हमको ना जो ऊपरी क्षेत्र में जलाशय या जलवायु का निर्माण करना चाहिए, ठीक ना, रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है उसको सर बिहार में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप एक ध्यान रखें, बिहार में जितने भी नदी जोड़ो परियोजना है, चाहे केंद्र सरकार कर रही है या राज्य सरकार कर रही है या करने जा रही है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जैसे कोसी मेची को है क्यों जोड़ा जा रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे करके पाँच छः उपाय भी यहाँ पर एक पॉइंट वाइज करके, हाँ इसमें गाद निकालना सबसे जन बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि अगर गाद निकल जाएगा तो नदी की गहराई बढ़ जाएगी और सारा पानी वहाँ पर उसमें स्टोर रह सकता है, ऐसा करके आप यहाँ पर इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट जो है ये तो हो गया कि जो भी क्वेश्चन बार से पूछ सकता, अगला इसमें क्वेश्चन एक है
कि बिहार से पलायन क्यों होता है, माइग्रेशन क्यों होता है, कैसे इसको जो है ना रोका जाए। अब देखिए इसमें आपका जो क्या जवाब होना चाहिए, सिंपल आप कई सारे इसके वजह हैं, कारण दिखाइए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉब की जो संभावनाओं के काफ़ी कमी है सर, ऐसे बता सकते हैं। फिर सर्विस सेक्टर यहाँ काफ़ी कम है, जो यहाँ शहर नहीं है, जैसे कि आखिर बिहार के लोग जो माइग्रेट करते हैं कहाँ करते हैं, दिल्ली करते हैं, बम्बई करते हैं, हरियाणा करते हैं, तो शहर ही तो करते हैं, दूसरे राज्य के शहर में जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में मात्र आप बोलिए कि सर 11% जो है शहरीकरण दर है 2011 के जनगणना अकॉर्डिंग, हाँ हालांकि अभी 15% हो गया है जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बिहार सरकार का, लेकिन हाँ आप बोलिए कि सर कम शहरीकरण होना कहीं ना कहीं यहाँ जॉब की संभावना को कम करता है, इसलिए यहाँ के मजदूर जो है ना कहाँ जा रहे हैं, जो है ना अदर स्टेट जा रहे हैं, अदर कंट्री भी जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार में जो है ना लैंडलेस लोग ज़्यादा है, कई लोग बस ज़मीन, देखिए अगर किसी के पास अगर मान लीजिए बिहार में अगर 1 बीघा का भी अगर ज़मीन है ना, तो वो उस 1 बीघे ज़मीन में ना 2-3 परिवार तो आराम से जीवन यापन कर ही सकता है, गेहूँ उगा लेगा, चावल उगा उसको खाने के, लेकिन हाँ इसकी भी कमी है बिहार में जो है ना, लैंडलेस किसान ज़्यादा हैं, वो किसी ना किसी के किराए पे लेके ज़मीन पे काम करते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। जो वो शिक्षा तो खैर है ही, एक वजह ये भी है बाढ़ अब ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ बिहार जो आपका है लगभग 3 महीने तक बाढ़ से डूबा रहता है, 3 महीने लॉकडाउन रहता है नॉर्थ बिहार में, ठीक ना, चाहे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया, ये सब में बाढ़, हालांकि इस बार तो खैर बाढ़ नहीं, लेकिन हाँ पिछले अगर देखिएगा रिकॉर्ड तो वहाँ पर पूरा 3 महीने तक, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास वहाँ बाढ़ ही बाढ़ रहता है। अब वहाँ अब बाढ़ है तो पूरा इलाका डूबा हुआ है, वहाँ तो कोई बिजनेस को रोजगार नहीं, खेती होता नहीं और कुछ होता है, लोग वहाँ पे कहीं और जगह माइग्रेट उसी समय करते हैं अधिकतर करके, ठीक ना। ये रियल एक्सपीरियंस मेरा है कि जो नॉर्थ बिहार में जो है आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट गाँव जब जाइएगा तो इसी समय लोग माइग्रेट करते हैं कहाँ, शहर की ओर। तो ये आप बता सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री की काफ़ी कमी है, ठीक ना, छोटे छोटे इंडस्ट्री गांव के लेवल पे काफ़ी कमी है। आप फर्क बिजली पानी का भी थोड़ा बहुत जिक्र कर सकते हैं, ये आप 5-6 पॉइंट यहाँ कारण लिख लीजिए क्यों इसका माइग्रेशन होता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात इसको कैसे रोका जाए, आप सिंपल आप बताइए कि सर सबसे पहली बात तो इसमें जो सरकार को ये करना चाहिए स्थानीय लोकल लेवल पे जो है ना रिसोर्स बेस्ड, जैसे मान लो कि मिथिलांचल में मखाना है, ठीक, सीमांचल में चाय है, या जो खगड़िया मधेपुरा इलाके में मक्के की खेती होती है, या साउथ बिहार में रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है, या जो है ना और भी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इथेनॉल है, मिथेनॉल, ऐसे सब का इंडस्ट्री छोटे छोटे लगा के जो है ना हम पलायन को या माइग्रेशन को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप बताइए सर, शहरीकरण के दर को जो है ना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बिहार में शहरों का विकास, रोड का विकास, स्मार्ट सिटी, बिजली, इंटरनेट, ये सब अगर प्रोवाइड फॉर एजुकेशन सही ढंग से हो जाए तो चीज़ें और बेहतर हो जाए। देखिए बिहार में भी अगर एजुकेशन हब की हम बात करते हैं, एक पटना है, भागलपुर है, कहीं कहीं मुजफ्फरपुर है, तो यही 3-4 सिटी में आप देखिएगा बड़े बड़े कॉलेज या चीज़ें हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर और भी जगह अगर हम कर दें तो क्यों नहीं वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। कोटा सब क्यों इतना फेमस है, कोटा में कितने लाखों लोगों को रोज़गार मिला हो, दिल्ली में कितने लाख लोगों को रोज़गार क्यों मिला, क्योंकि यहाँ के यहाँ स्टूडेंट पूरे देश से पढ़ने आते। क्यों नहीं हम बिहार को जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय था आज से 2000 साल पहले, क्यों नहीं उसे हम बना सकते हैं, जब पूरी दुनिया के देशों के विद्यार्थी जब उस समय पढ़ने आ सकते थे आज से 2000 साल पहले, तो अभी क्यों नहीं आ सकते, हाँ हमको करने की ज़रूरत है। आप ऐसे करके देखिए कई सारे चीज़ें हैं जवाब देने का, हाँ आप जो आप अच्छा लगे पॉइंट लिखिए और इसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ भी आपका आराम से हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ बता दीजिएगा कि फिर स्किल डेवलपमेंट भी जो कौशल विकास भी जरूरी है, एक बात यहाँ जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए माइग्रेशन तो केरला से भी होता है, लेकिन जो केरल के लोग जो माइग्रेट करते हैं वो स्किल्ड होते हैं, कोई नर्स होती है या कोई अच्छे डिग्रीधारी होते हैं, और जब वो दूसरे किसी चाहे वो खाड़ी के देश जाए या वो अमेरिका या और कहीं जाते हैं तो ज़्यादा पैकेज लेके आते हैं। लेकिन बिहार में क्या है, बिहार में इसी की कमी है, बिहार के लोग अगर माइग्रेट करते हैं तो उनके पास स्किल नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, वो वहीं जाएंगे तो मजदूरी का ही काम करेंगे। केरला के अगर जो लोग पढ़े लिखे लोग कहीं और स्टेट जाएंगे या किसी और कंट्री जाते हैं वो ज़्यादा पैसा लाते हैं। तो आप यही बताइए कि माइग्रेशन बुरी चीज़ नहीं है, माइग्रेशन बुरी चीज़ तब है बिहार के लिए जब अनस्किल्ड लोग कहीं और जाते हैं वहाँ वही मजदूरी करते हैं और वो 8-10 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं ये, लेकिन वही केरला में ऐसा नहीं है, और भी पंजाब हरियाणा के लोग भी माइग्रेट करते हैं लेकिन वहाँ स्थिति काफ़ी अलग है। तो हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ये सब देखिए रियल जवाब है, ये मेरा एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस के बेसिस में बातें बोल रहा हूँ। आप ऐसे जवाब को लिखिए और जवाब दे दें, ठीक ठाक आपको नंबर आने का चांस है। बाकी देखिए बताने वाले और भी कई लोग होंगे हमसे अच्छे, लेकिन हाँ आप इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए बेहतर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें कि
पूछा था एक बार कि बिहार को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करो। आप बिहार को ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डिफाइन कीजिएगा? आप सिंपल बताइए कि एक तो इस बिहार का अक्षांश और देशांतर बताइए। हाँ, बिहार और इंडिया का आपको लेटिट्यूड एल्टीट्यूड अच्छे से याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। वो जैसे कीजिए, क्योंकि ये तो समान जानकारी है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते, ठीक ना। उसके बाद बताइए कि सर फिजिकल नेचर बिहार, जैसे शिवालिक की पहाड़ी है या उत्तरी मैदान का हिस्सा है, यहाँ कुछ पठारी भाग है, विंध्यन है, ये सब बता दीजिए। फिर यहाँ का क्लाइमेट देखिए, किस क्लाइमेट में बिहार आता है, ठीक नहीं, बताइए। यहाँ की मिट्टी कुछ कुछ बता दीजिए, और यहाँ किस इसका बाउंड्री, चाहे यूपी से हो या नेपाल से हो, पश्चिम बंगाल से हो या झारखंड से लगते थे, ये मतलब कि इसको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का परिचय, बिहार को डिफाइन करना हो गया, ख़त्म बात। इसको तो ये चीज़ आप इसमें इसको पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए क्या क्या इसमें चीज़ें होगा, ठीक ना। बाकी अब देखिए, ये तो जो बेसिक जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म क्वेश्चन, बेसिक टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से। एक बार मेरा सलाह ये होगा, आप एक बार कोई भी चैनल सेंट है या कोई भी बुक से उसके बेसिक टर्म को रिवाइज कीजिए, या इंटरनेट में जाइए, गूगल सर्च कीजिए, एक घंटा बैठिएगा, टाइप कीजिए, सारे बेसिक टर्म का डिफिनेशन आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और उसको मल्टीपाई टर्म पर। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है, बस ऑब्वियस सी बात है। आप बताइए कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। आपको एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए। या एटॉल क्या होता है, ठीक है, समुद्र में जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या होता है। फिर खाड़ी और गल्फ़ में क्या अंतर, ये बे और गल्फ़ में क्या अंतर होता है। अब जैसे बे इसका साइज बड़ा होता है, गल्फ़ का तो सब इसकी गहरी खाई होती है, दोनों डिफरेंस पूछेगा। एक दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, बे और गल्फ़ का एग्जांपल पता होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। फिर जो जो अंतरीप, जैसे कि साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, ये अंतरीप क्या होता है, एक दो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। रिलीफ या उच्चावच क्या होता है ज्योग्राफी में, लैंडफॉर्म का क्या मीनिंग होता है, मतलब ये बेसिक टर्म है, ये बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। हाँ, ये रिवाइज करने चीज़ें हो जाएगा, हाँ रिवाइज किया होता है तो वहाँ पर जवाब देने में अच्छा होता है। फिर मरुस्थल क्या होता है, अब कोल्ड डेजर्ट क्यों होता है या हॉट डेजर्ट क्यों होता है, इंडिया में दो तरह का डेजर्ट कहाँ कहाँ होता है, या अटाकामा है, और भी कुछ कुछ डेजर्ट पर आपको पता होना चाहिए पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ डेजर्ट है मोटा मोटी, और इसे कि क्यों ऐसा कोल्ड है तो क्यों है या हॉट है तो क्यों, इसे पता आपको होना चाहिए। एसुरी क्या होता है, डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी रिवर एसुरी बनाती है, कौन, ये बेसिक टर्म है ज्योग्राफी का जो आपसे वो उम्मीद करेंगे आपको पता। या भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, इसमें कितने तरह के वेव्स निकलते हैं, अर्थ जो जोन है इंडिया, पूरे इंडिया में बिहार में कौन कौन सा जोन है, बिहार किस किस जोन में आता है, ये इंटरव्यू पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख लीजिए कौन कौन से जोन में, या बिहार कितने जोन है, बिहार में कितने कौन सा जिला किस में आता है, तो ये बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका अच्छा होगा। देखिए सब कुछ का नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ आपको भी तो करना पड़ेगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं बता ही दिया, हाँ ये सब फैक्चुअल है, आप इसको कर दिए। जो ग्लेशियर क्या होता है, ठीक ना, फिर ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा है लोगों, कई बार स्टूडेंट से पूछा गया है। देखिए सिंपल आप बताइए कि जो ग्लोब जो है, पृथ्वी का एक नमूना है जिस पर विश्व के का मानचित्र अंकित होता है, ग्लोब पर ही तो मानचित्र अंकित होता है। अगर आपको इसमें मानचित्र पूछे या मैप पूछे, सिंपल बताइए पृथ्वी के सतह का एक कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। बस इसको ये पूछा है कई बार, ध्यान रखिए ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है। फिर वह अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसका एग्जैक्ट डिफरेंस आप ये सब जाकर सर्च कीजिए, सब मैं नहीं बताऊंगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, फिर ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसे पूछा गया। हाँ, फॉरेस्ट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये अच्छे से पता रखिए। और बिहार सरकार या भारत सरकार जो है ना, फॉरेस्ट को कितने टाइप में बांटते हैं, रिजर्व होता है, रिजर्व होता है, ये सब उसके टाइप याद रखिए। और कितना परसेंटेज, लेटेस्ट जो 2021 में डेटा आया, कितना प्रतिशत है वो डेटा आपको याद से। और बिहार में कहाँ डेजर्ट, कहाँ फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता, कहाँ सबसे ज़्यादा, ये सब कुछ कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि सब कहाँ, किस जिले में फॉरेस्ट नहीं है और आखिर है तो क्यों नहीं है। या एक बार पूछा कि जो मानसून का पैटर्न क्या है, अगर मानसून बिहार में जो इन करती है ईस्ट की तरफ से, उसका पैटर्न बताइए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है, कई बार पूछा गया है कि जैसे कि भारत और बिहार का लेटिट्यूड एल्टीट्यूड बताइए, बताइए अक्षांश देशांतर बताइए, और इसका यूज क्या, आखिर ये अक्षांश देशांतर हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी, उसका कि क्या, व्हाट इज यूज ऑफ दिस, ठीक ना। ये कई बार पूछा, आप सिंपल बताइए कि इसका यूज, देखिए पहली बात क्या है कि अगर आपको ये पता है कि उस जगह का ये अक्षांश से देशांतर है, तो आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं,
ठीक ना, चाहे 8 डिग्री है या जो भी है, 11 डिग्री है, तो वो बताइए आप, ठीक ना। फिर इसमें जो है, अगर आपको देशांतर पता है किसी भी देश का, तो वहाँ से प्रधान माध्यान जो रेखा होती है, जो कि इंग्लैंड से गुजरती है, उससे कितना दूरी है ये पता कर सकते हैं हम, टाइम पता कर सकते हैं उस देश का कितना टाइम होगा, ठीक ना। फिर स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सब ना अक्षांश और देशांतर का यूज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर और बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि इक्वेटर क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, ये मकर रेखा क्या है, ठीक नहीं, फिर पूछा है लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये सब सब दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, और लुफेन में जाकर आपको सर्च कीजिए। फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार और भारत का, इसको डेटा याद रखिए आप, ठीक ना। नॉटिकल मील क्या होता है, एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर होता है, वो 1.8 किलोमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज किस में करते हैं, हाँ, जैसे आपको पता है कि बिहार में जो सॉरी देश का जो जो लाइन है, जैसे कि आपको पता है कि एक होता है क्या बेफ लाइन, जो चूँकि आपका जो पता है कि इंडिया का जो जो कोफे इलाका टेढ़ा मेढ़ा है, तो सीधी रेखा बनाने के लिए हम लोग बेफ लाइन ड्रॉ करते हैं। अब वहीं से आपको ट्रेफ्टियल सी निकालते हैं, अनन आर्थिक क्षेत्र निकालते हैं, वो कितना किलोमीटर दूर होता है, ये आपको पता अच्छे से पता होना चाहिए, और ये किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसको करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, मिट्टी के बारे में कभी कभी पूछ जाता है, काली मृदा या जो है बिहार की मृदा के बारे में बताओ, नॉर्थ इंडिया बिहार में कौन सा मृदा है, साउथ में कौन सी मृदा पाई जाती है, उस मृदा में कौन सी खेती होती है, सब पूछा है कई बार। रिवर के बारे में एक मोटा मोटी आपको गंगा है या उसकी जो सहायक नदी बिहार में बहती है वो आपको पता होना चाहिए। रिसोर्स खास करके जैसे कि मान लीजिए कि छोटा नागपुर पठार है या बिहार में जो भी प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में आपको मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए। नेशनल हाईवे बिहार में कौन सी है या और पूरे देश में कितनी, सबसे बड़ी छोटी, ये सब कभी कभी ना फैक्टुअल चीज़ें यहाँ से आ जाता है। हाँ, मानसून के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिहार में मानसून जलवायु है तो कैसी है, इसका पैटर्न क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या होती है, ठीक ना। फिर उसके बाद लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, ठीक है। ये मानसून को आपको ठीक ठाक ITFZ क्या होता है पूछ सकता है ये, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पूछा भी है। अभी हाल फिलहाल में जो कुछ करंट में क्वेश्चन आई है कि जंगल में आग क्यों लगती है, क्योंकि अमेजन जंगल में आग, ऑस्ट्रेलिया में आग लगा है, फिर उत्तराखंड में आग लगा है, बिहार में भी कई जगह आग लगा है, तो इस क्यों लगता है, इसे आपको पता होना चाहिए। फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये NCERT क्लास 9 का है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं, ठीक ना। हाँ, ज्योग्राफी जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक रिमलैंड थ्योरी है और एक हार्टलैंड थ्योरी है, और इसका प्रेजेंट में कहाँ इसको देखते हैं, ठीक ना, रशिया है या यूक्रेन है, ये सब आप इसको अच्छे से डिफाइन कर लीजिए कि दोनों क्या होते हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिए। फिर जो जो पॉपुलेशन जो थ्योरी है मालथस का है और भी कई लोगों का है, जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है, अभी जनसंख्या सिद्धांत थ्योरी में बिहार किस में आता है या इंडिया किस में आता है, ये पता होना चाहिए। फिर सेटलमेंट बस्ती भूगोल जितना भी बिहार में किस तरह का सेटलमेंट है या इंडिया में कहाँ कहाँ किस तरह का है, पटना किस बेस पे बसा हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। फिर लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, लैंडलॉक स्टेट क्या होता है, पूरे इंडिया में कितने लैंडलॉक स्टेट हैं, बिहार लैंडलॉक स्टेट है तो इसका क्या नुकसान है, इसका क्या फ़ायदा है, आपसे सब पूछा जा सकता है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब ना कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके ज्योग्राफी में पूछा जाएगा, और भी अगर कुछ आप बेसिक टर्म अगर ज्योग्राफी आप नहीं जानते हैं वो आपको पता चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, हाँ, कुछ कुछ निश्चयवाद संभववाद क्या होता है, ठीक ना, मात्रात्मक जो आंदोलन था वो क्या होता है ज्योग्राफी में, ये सब, और कुछ कुछ ना भूगोलवेत्ता जो है रीटर हैं या जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, भूगोल के फादर कौन है, ये सब बेसिक चीज़ है, ये लुफेन में भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार जरूर करके जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ करंट का न्यूज़ जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो भी आपको करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि जंगल में आग क्यों लगता है, अभी हाल फिलहाल में क्यों लगा है, वेटलैंड अभी बिहार में जो आर्द्र भूमि बढ़ाने की बात है वो कुछ कुछ वेटलैंड देख लीजिए, फिर उत्तराखंड में जो भूमि धसा हुआ था जोशीमठ में वो क्यों हुआ था, ठीक नहीं, बताना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का क्या क्या क्लाइमेट चेंज क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिहार पे या पूरे भारत पे, एक आम नागरिक पे क्या, ये सब कुछ कुछ बेसिक यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी मानसून के पैटर्न में पूरा चेंज इस बार जो देखा गया उसका कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमसे को फिर ही पूछा था मानसून पैटर्न के बारे में, क्यों आखिर परिवर्तन क्यों हो रहा है, आप इसमें बताइए कि लालिना है, लीनो की वजह से या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से कुछ कुछ पैटर्न होता है, तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक ना। बाकी एलिनो क्या होता है ये पूछा गया था हमसे, लालिना क्या होता है इसमें काफ़ी अच्छे से डेप्थ में जाके पूछा गया था, क्यों कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये किस रास्ते से हिंद महासागर में इन करती है, किस
किस महीने वहाँ से चलती है पेरू के तरफ से और कब यहाँ पहुँचती है, कितना दिन लगता है, ये सब क्रॉस क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक जो टर्म होता है ज्योग्राफी का ना, उसके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होना। देखिए ज्योग्राफी में ऑप्शनल में अगर फिर पूछेगा ना, दो तीन ही टॉपिक से पूछेंगे। हाँ, वो भी कौन, जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, वही पूछते हैं, ठीक ना। हाँ, लेकिन उनको अगर आप खुश कर दीजिएगा जवाब देके, तो आप 80-85 के रेंज में आराम से मार्क्स पहुंच जाइएगा, ठीक ना। इसको अच्छे, वही मैं बेसिक टर्म ज्योग्राफी का बार बार बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी ज्योग्राफी हो उसके बारे आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये गंगा जल आपूर्ति योजना काफ़ी चर्चा में है, कितने जिले में पहुंच गया है, ये क्या है, कहाँ से इसको लिफ्ट किया गया है, मोकामा से किया, किस रास्ते से आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार के हैं तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके बारे में कोई क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे, तो आप अगर सॉरी बोलेंगे थोड़ा सा आपके लिए खतरे की घंटी है, ध्यान रखें। फिर गंगा नदी पर कितने पुल है, अभी जो सुल्तानगंज में पुल जो गिर गया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। फिर नेशनल पार्क बिहार में कितने हैं, और भी अगर आप हाल फिलहाल में कोई नेशनल पार्क बनने की चर्चा है, कौन सी चर्चा हो रही है, क्योंकि वो लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते रहते हैं तो उनको पता रहता है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। डॉल्फिन क्या है, ठीक ना, डॉल्फिन का अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में, जो भागलपुर में या पटना में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ भी बेसिक जो मैं बहुत चीज़ चर्चा कर दिया हूँ, तो इस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका चीज़ें इंटरव्यू में इससे बाहर क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं जाएगा, ठीक ना। हाँ, एक मेरा मेरा सलाह होगा ये, कभी आप ठीक ठाक टाइम है, अभी तो 5-6 अगस्त ही है, तो जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप क्या करें, एक बार मेरा सलाह ये होगा, ओवरऑल जो है ना सिलेबस के जो बेसिक जो है ना उसको पढ़ लें, एक बार रिवाइज कर लें, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, जैसे कि बेगनर महोदय का जो थ्योरी है, या जो प्लेटोटोनिक थ्योरी है, ठीक ना, हैरी हेस का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ओवरऑल, एक बार कितना दिन रिवाइज, ये पन्ना पलट लीजिए, कुछ बेसिक पद पता हो जाएगा, कुछ बेसिक टर्म कॉपी में लिख लीजिए, जितना बताया उसको लिख लीजिए। हाँ, जैसे कुहासा है, धुंध में क्या अंतर है, हाँ क्लाउड बादल के बारे में कुछ कुछ, ये सब कभी कभी ना पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक ना। इसको आप या जो है ना प्लानट के बारे में, कौन सा कैसे घूमता है, ठीक ना, या जो है जो ध्रुव तारा उसका क्या यूज है, ध्रुव तारा हमसे ध्रुव तारा का यूज पूछा था, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन जो है आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक। तो इतना चीज़ें मैं बहुत कुछ बता दिया, आप इसको कर लें। बाकी अगर और भी अगर ज्योग्राफी में अगर किसी तरह का अगर कोई अगर आपको डाउट होगा कि क्या कैसे जवाब दिया जाए, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ दे दिया मैं नंबर दे दिया हूँ अपना, ठीक ना। बाकी 67 या अपकमिंग जो भी इंटरव्यू होगा तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू अभी शुरू है, बता दूं मैं यहाँ पे। पहली बात तो वन बाय वन इंटरेक्शन सबसे कर रहा हूँ कि क्या किसकी कमियाँ हैं उसके बारे में ऑनलाइन अभी हो रहा है। बाकी आपकी कमजोरियों पे ध्यान दिया, जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उसका कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में फोकस किया जा रहा है, और जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिया, काफ़ी जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, या जो कहीं दिए हैं या फिर है उन्हीं को सब चीज़ कराया जा रहा है, तो इसमें आप कोई टेंशन ना लें। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है, ऑनलाइन तो खैर चल रहा है, हाँ ऑफलाइन जो है ना अब दिल्ली में 2-3 दिन के बाद शुरू होगा, पटना में भी रिजल्ट के बाद शुरू होगा। तो जिनको भी इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ना है, तो ये नंबर दिया गया है, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर लेंगे। बाकी इंटरव्यू से संबंधित किसी तरह का कोई गाइडेंस, कुछ भी अगर क्वेश्चन आपके पास है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, चीज़ें आपको बेहतर बता दिया जाएगा। तो आगे के वीडियो में इंटरव्यू से संबंधित और भी कई सारे मुद्दे पे मैं बात करूँगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन पे कैसे जवाब दिया जाए, और भी अगर कुछ क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो अलग लेक्चर में करूंगा। अभी मेरा टारगेट है कि जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके बारे में हमको ठीक ठाक नॉलेज है, चाहे हिस्ट्री हो, LSW हो, इस सब का मैं वीडियो बना दूं। उसके बाद जिस सब्जेक्ट पर हमको विशेष कोई नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो उनको जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा ही मैं वीडियो इस यूट्यूब पर मैं शेयर करवा दूंगा, बनवा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इसको कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।